मॉन्यूमेंट या जो डेस्टिनेशन हम विजिट करने वाले हैं उसका नाम है महाराणा प्रताप स्मारक। महाराणा प्रताप स्मारक एक बहुत ब्रेवरी का मॉन्यूमेंट है जो कि प्राइड ऑफ उदयपुर है या प्राइड ऑफ मेवाड़ है। महाराणा प्रताप जो कि एक बहुत ब्रेव वॉरियर रहे हैं उनका एक स्मारक या एक मॉन्यूमेंट जो हम बोले वो यहाँ बना हुआ है। सो लेट एक्सप्लोर द डेस्टिनेशन। अब हम चल रहे हैं जो मोस्ट आइकनिक स्पॉट है यहाँ का, जो सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट है वो है महाराणा प्रताप का स्टैचू सिटिंग ऑन हिज हॉर्स चेतक, जो कि एक बहुत खूबसूरत और सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है जो राजा भगवत सिंह जी ने महाराणा प्रताप के लिए दिया था। और इस मॉन्यूमेंट को 18th सेंचुरी में बनवाया गया था। सो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं इस स्टैचू को। लश ग्रीन ब्यूटिफुल वैली से सराउंडेड ये मॉन्यूमेंट और ये इस प्लेस बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है हिस्ट्री के लिए भी एंड व्यू के लिए भी। यहाँ से एक बहुत अमेजिंग सिटी का व्यू मिलता है और साथ में बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है फतेह सागर लेक का। सो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस प्लेस को। ये जो आइकनिक स्टैचू आप देख रहे हैं ये 11 फीट ऊंची है एंड 70 टन्स वेट में है। दिस इज पूरी ब्रोंज में बनी हुई है और इसके एक साइड में आप देख सकते हैं कि सूर्यवंश का जो इनका इनका ग्लोरी का एक साइन है, इनका कुल का एक साइन है वो बना हुआ है। और इसके साइड्स में जो पूरा इनका हुआ हुआ है पत्थर के अंदर वो बना हुआ है जो चेतक ने लास्ट ब्रेथ लिया था महाराणा प्रताप को सेव करने के बाद हल्दीघाटी के बैटल के अंदर। और महाराणा प्रताप की गोद में जब चेतक ने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी उसका सीन इसमें पूरा इंग्रेव किया हुआ है स्टोन्स में। और दूसरी साइड में बना हुआ है हल्दीघाटी का बैटल व्यू। And after viewing this glorious history, come on, let's explore the most beautiful view of Udaipur from Moti Mangri. ये मॉन्यूमेंट सबसे पहले 18th सेंचुरी में बना था और उसके बाद में टाइम के साथ साथ इसमें रिफॉर्मेशंस होते गए और इसका डेवलपमेंट और खूबसूरत से खूबसूरत होता चला गया। इसमें बहुत इस पूरी हिल के ऊपर बहुत सारे छोटे बड़े गार्डन्स हैं जिसके अंदर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर कि बहुत सारे राजा जिन्होंने हल्दीघाटी की वॉर के अंदर या कहें कि इस फ्रीडम की वॉर के अंदर महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया था उनके स्टैचूज़ हैं। साथ में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो कि
पूरी महाराणा प्रताप की लाइफ हिस्ट्री एंड जो बैटल्स उन्होंने जीती हैं और जो फ्रीडम के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था मेवाड़ की, वो सारा उसके अंदर दिखाया जाता है। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल शो जो कि मस्ट वॉच है। अभी पैंडमिक की वजह से वो नहीं चल रहा है, बट सम डे लेटर वी वुड शो यू दैट ऑल्सो। यहाँ महाराणा प्रताप स्मारक में एक बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट है जहाँ हम देख सकते हैं कि राणा प्रताप अपने जो सपोर्टर्स दूसरे राजा थे जिसमें से झालामान, राणा पूंजा जैसे लोग थे, उनके साथ हल्दीघाटी की बैटल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं या प्रोसीड कर रहे हैं। आइए चलते हैं हम वीर भवन को देखने के लिए। सो कम लेट्स एक्सप्लोर वीर भवन। यहाँ हम देख सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट का एक खूबसूरत मॉडल बना हुआ है, जो कि कुंभलगढ़ फोर्ट राणा कुंभा का बनाया हुआ था एंड महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस है। जी हाँ, महाराणा प्रताप का ननिहाल महाराणा कुंभा के वहाँ था। एंड इस फोर्ट की खासियत ये है कि इसकी जो वॉल है जिसको आप देख सकते हैं, ये 36 किलोमीटर्स की पेरिफेरी के अंदर है एंड वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वॉल जो है वो क्लेम की जाती है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। म्यूजियम जो है पूरी हिस्ट्री को मेवाड़ की डिपेक्ट करता है और पिक्चर्स फॉर्म के अंदर, पेंटिंग्स के फॉर्म में, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है कि किस तरह से मेवाड़ की फाउंडेशन ले हुई थी, बप्पा रावला को मेवाड़ का राज मिला था एंड जिस महादेव के टेंपल के वहाँ पे इनको ये मिला था, उसके बाद से कैसे ये प्रोसीड होता गया और किस तरह से ये वंच आगे बढ़ता गया। यहाँ आप देख सकते हैं रानी पद्मावती का बहुत खूबसूरत पिक्चर बना हुआ है, किस तरह से वो सती हुई थी एंड अब तो हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर है, इसको और ज्यादा पॉपुलर कर दिया है फिल्म ने भी। हर पेंटिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि मेवाड़ का हिस्ट्री कितना ग्लोरियस रहा हुआ है, क्यों हर मेवाड़ के रहने वाले को इतना प्राउड फील होता है या इस कंट्री के रहने वाले को इतना प्राउड फील होता है, बिकॉज अलग अलग तरह की इतनी बेहतरीन हस्तियाँ यहाँ हुई हैं, जिनमें से मीराबाई जो कि चित्तौड़ में थी और राजकुमारी होते हुए कृष्णा को वर्शिप करते हुए उन्होंने अपना पूरा लाइफ कृष्णा पे डिवोट कर दिया था। तो ये राणा सांगा है जिन जो बहुत फेमस थे, इनके शरीर पे 80 से ज़्यादा घाव थे, उसके बाद में भी ये इतने ब्रेव वॉरियर थे कि ये तब भी फाइट करते रहे। अगली पेंटिंग में हम देख सकते हैं पन्ना धाई को, जिन्होंने अपने बेटे की सैक्रिफाइस दी राजा जो राणा थे उनको बचाने के लिए, सो दैट कि मेवाड़ का जो वंश है वो आगे बढ़ता रहे और उस पर कोई आंच ना आए। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से राजकुमार उदय सिंह जी को एक बास्केट के अंदर दुश्मनों से छुपाते हुए पन्ना धाई लेके गई थी और उनको अपने बेटे के मरने का गम मनाने का भी मौका नहीं मिला था और उन्होंने मेवाड़ के फ्यूचर को बचाया था। यहाँ हम देख सकते हैं महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर का इस्टैब्लिशमेंट किया है एंड उदयपुर शहर को बसाया। इसके अंदर बताया है कि महाराणा प्रताप एक लेटर लिख के और मेवाड़ को कभी सरेंडर नहीं करने के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। जब अकबर ने बोला था कि मेवाड़ को सरेंडर कर दिया जाए और उन्होंने एक लेटर लिख के इन्फॉर्म किया था कि वो कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसिस में मेवाड़ को सरेंडर नहीं करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक उसकी फ्रीडम के लिए फाइट। इतना इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि चेतक कितना एक ब्रेव, अपना लॉयल था अपने प्रताप के लिए, अपने जो उनके मालिक थे उनके लिए। और चेतक का जो हाइट एंड बिल्ड था वो इस तरह का था कि उसमें हाथी का मुकुट लगाया जाता था, उससे लोग जो दुश्मन थे वो कन्फ्यूज हो जाते थे कि ये हाथी ही है। इसी तरह से अलग अलग पिक्चर्स के फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे इस म्यूजियम के इस आर्ट गैलरी के अंदर ये बताया गया है कि कितना ग्लोरियस यहाँ का पास्ट रहा है और कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पे रूल किया है और इस तरह से ये जो क्लान है आगे बढ़ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं जो भी इन लोगों के हथियार काम में लिए जाते थे महाराणा प्रताप द्वारा युद्ध के समय पे, उनके एक छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स जो है और उनका कितना वेट हुआ करता था वो सब उनको यहाँ पे एक डिस्प्ले में एक मॉन्यूमेंटल फॉर्म में दिखाया गया है। ये जावलिन का भाला उनका जो कि 2.9 kg का है।
एंड इसी तरह से उनकी स्वॉर्ड जो कि 1.8 केजी की है, शील्ड जो कि 2.5 किलो की है, बोस एंड एरोज़ का सेट जो कि 2.5 किलो का है। ओवरऑल में कहा जाता था कि महाराणा प्रताप के जो आर्मरी का पूरा सेट था वो 80 केजी का होता था, जिसको वो अपने बैटल के समय पे कैरी करते थे अपनी बॉडी के ऊपर। जस्ट थिंक कितना उनका स्ट्रेंथ रहा होगा कि 80 केजी के आर्मरी अपने ऊपर कैरी करते हुए वो बैटल्स फाइट करते थे या जीतते भी थे। राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है एंड कुछ पार्ट इसका अब म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, कुछ पार्ट के अंदर रॉयल फैमिली रिजाइड करती है एंड बाकी के पार्ट्स को होटेल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें दो होटेल्स हैं जो कि 5-स्टार लग्जरी होटेल्स हैं। हल्दी घाटी बैटल का एक मॉडल बनाया गया है कि किस तरह हल्दी घाटी का बैटल फाइट हुआ था, जो उसका टोपोग्राफी था पूरा हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं रक्त कलाई बनाई गई थी, एक्चुअली वहाँ पे रक्त कलाई है ऐसा कहा जाता है कि सोल्जर्स के खून से पूरी एक लेक बन गई थी जिसको रक्त कलाई कहा जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं चित्तौड़ का एक बहुत हिस्टोरिकल फोर्ट जो है उसका एक मॉडल है, यहाँ पे इतना ह्यूज ये फोर्ट है वो देख सकते हैं। और इसके साथ में ही इस म्यूजियम में दिखाया गया है कि कितना ग्लोरियस मेवाड़ का हिस्ट्री रहा है, क्यों हर इंडियन को प्राउड होना चाहिए अपनी मेवाड़ की हिस्ट्री के ऊपर। एंड बहुत ही एजुकेटिव भी एक इनिशिएटिव है जो मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट ने लिया हुआ है और इस जगह को इतना खूबसूरती से उन्होंने डेवलप किया है। बहुत ही एजुकेटिव स्टूडेंट्स के लिए, हर इंसान के लिए बहुत एजुकेटिव है। जो बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को भी जब देखते हैं तो पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितने ब्रेव वॉरियर्स थे, कितना प्राउड हम लोग फील करते हैं। आई स्टिल गेट द गूज़बम्प्स व्हेन आई टॉक अबाउट इट कि कितना हम लोगों का ग्लोरियस पास्ट रहा हुआ है एंड आई होप इट कंटिन्यूज फॉरएवर।